एक और डायरेक्ट कस्टमर कार इनोवा 2021 जी वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन दिल्ली रजिस्टर्ड ओनर सिंगल एंड द कार इज ड्रिवन इज 35,000 किलोमीटर्स विद प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड्स ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है 100% ऑल ओरिजिनल पेंट है। गाड़ी का इंश्योरेंस अगले महीने एक्सपायर हो रहा है और पोल्यूशन अगले 2 महीने के बाद एक्सपायर हो रहा है। गाड़ी के जो टायर्स हैं अभी 8,000 से 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं क्योंकि 35,000 चलिए आप मोटा मोटा टोयोटा इनोवा के टायर 40-45,000 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ड्राइवर साइड का जो कैबिन दिया है वो भी काफी लग्जरी है, वो भी काफी प्रीमियम है। इसके अंदर हमें एक वायरलेस फोन मिल रहा है, पीछे से अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है तो यहाँ पे आपको एक फोन भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है ताकि आपको जर्क्स भी ना मिले, मैनुअल शिफ्टिंग के जो जर्क्स आते हैं। ऊपर रूफ जो है वो सारी पैनलिंग वैसे हो रखी है और यहाँ से ये कार क्लोज है तो मतलब आप यहाँ पे अपनी प्राइवेट मीटिंग्स भी कर सकते हो, आप अपनी प्राइवेट डिस्कशंस भी कर सकते हो, ऑफिशियल मीटिंग्स भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री हमें मिल रही है, ये वाली साइड हाउएवर मैनुअली एडजस्टेड है, उधर की ऑटोमेटिक है। और ये हमने यहाँ से डोर खोला तो यहाँ से हमारा जो पीछे जो मॉडिफिकेशन हुई है वो मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी मोटी पैनलिंग हुई है कि डोर्स के अंदर जो है आपको जब गाड़ी में बैठे हो तो अंदर किसी तरह की आपको आवाज ना आए। पावर विंडो का स्विच जो है वो यहीं पे है जैसा ओईएम का आता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है शिफ्ट करा यहाँ पे कर दिया है। और कर्टेन का जो स्विच है वो यहाँ पे है, अंदर है। तो ये कर्टेन का स्विच है, यहाँ से कर्टेन ऊपर जा रहे हैं ऑटोमेटिक। अगर आपको बाहर का भी देखना है तो बाहर का भी यहाँ से देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे हमें ये क्लोज करने का है और ये आप इसकी स्क्रीन जो है इसको भी अपने हिसाब से आप टिल्ट कर सकते हैं, आपको जिस मोशन में मतलब आपको जिस एंगल में चाहिए टीवी आप उस एंगल में इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है हमारा ऑटोमेटिक मिनी बार, ये हमारा मिनी बार आ गया है यहाँ पे ऑटोमेटिक, हमने यहाँ पे पुल कर दिया है इसको। और यहाँ पे आपको कूल बॉक्स मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वो मिल रहे हैं कप होल्डर्स मिल रहे हैं ग्लासेस रखने के लिए। और ये हमारा यहाँ से फिर वापस भी चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको जगह दिखाई देगी, यहाँ पे सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी गई है, आप यहाँ पे अपने शूज भी रख सकते हैं उतार के, आप यहाँ पे कुछ सामान भी रख सकते हैं एज पर योर अवेलेबल मतलब एज पर योर कन्वीनियंस आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक हमें ट्रे मिलेगी जो कि ऐसे आएगी और ऐसे आएगी और ऐसे, और उसके बाद हम इसकी थाइस को जो है वो ऐसे कर सकते हैं डाउन और फिर हम इसको सीट को आगे ला के फिर अगर हमें अपना कुछ रखना है तो हम आराम से इस पे रखते हुए आराम से इंजॉय करते हुए जा सकते हैं अपना। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है, सामने स्मार्ट टीवी मिल रहा है और उसके अंदर नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ से आप लाइट्स के कंट्रोल्स कर सकते हैं, लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक बटन है देखते हैं, ये बटन जो है ये उसका दिया गया है इंटरकॉम का बटन दिया गया है, ये देखिए बटन इंटरकॉम का दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से हम इसके हेडरेस्ट अगर हमें निकालने हैं तो हेडरेस्ट हम इसके निकाल सकते हैं। एसी वेंट्स आ रहे हैं इस पे, 2 AC vents यहाँ पे हैं और सामने 2 AC vents हमारे सामने हैं जिससे हम यहाँ का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं यहाँ से हम, और ये आई एम श्योर यहाँ से हम इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। आगे 2 AC vents हैं, यहाँ पे 2 AC vents हमें मिल रहे हैं। पीछे के कर्टेन्स जो हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं, वो भी आप पुल डाउन पुल अप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोनों तरफ पावर पॉइंट्स दिए गए हैं बराबर, और इधर भी दिए गए हैं पावर पॉइंट्स, इधर भी दिए गए हैं पावर पॉइंट्स, और इधर सारे ये सीट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इंटरकॉम फैसिलिटी इसके अंदर हमें मिल रही है। टोयोटा इनोवा है, सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी एवरेज भी बहुत अच्छा देगी, लो ऑन मेंटेनेंस है। कहीं पे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में जा रहे हैं तो आप अपनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स भी कर सकते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, और इन्जॉय करते हुए आप अपनी ट्रिप को इन्जॉय करते हुए जा सकते हैं। जहाँ पे ड्राइवर आपको नहीं देख सकते कि आप को सुन नहीं सकते देख नहीं सकते, अगर आपको ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करना है तो आप ड्राइवर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फुल्ली मॉडिफाइड है डीसी से, 15 से 17 लाख रुपए में ये मॉडिफिकेशन होती है। तो गाड़ी अगर आप नॉन मॉडिफाइड लेंगे तो 23-24 की मिल जाएगी, मॉडिफाइड गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको 32 लाख रुपीज़ में डायरेक्ट कस्टमर से दिलवा दूंगा, डायरेक्ट कस्टमर अकाउंट में आपको पेमेंट करनी होगी। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये गाड़ी नरेला से आई है मेरे पास, कस्टमर ने नरेला से मेरे पास में भेजी है। अगर आप ये गाड़ी बुक करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप पहले मुझे बुकिंग अमाउंट भेजें सर, तभी मैं आपको गाड़ी दिखाने के लिए फिजिकली दिखाने के लिए नरेला जा पाऊंगा। मेरा रेसिडेंस है मयूर विहार में, वहाँ से नरेला पूरा दिन मेरा लग जाएगा। अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं पूरी वीडियो देखें उसके बाद आप बुकिंग अमाउंट भेजें, उसके बाद अगर आप गाड़ी नहीं लेते फॉर व्हाटएवर रीजंस मैं आपको बुकिंग अमाउंट बेशक रिफंड कर दूंगा। आपको चाहिए मैं आपको आरसी और गाड़ी का नंबर भेज दूंगा, आप इसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करें। वैसे ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है और जिस हिसाब से कस्टमर ने गाड़ी बनाई है, जिस प्रोफाइल के कस्टमर की गाड़ी है, वो कुछ मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि मीटर टैम्परिंग हो या कुछ ऐसा कुछ टेप टूप लगा के काम करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओरिजिनल कार है ये।
आरसी आपको चाहिए, मैं आपको आरसी शेयर कर दूंगा। इंश्योरेंस एक महीने में एक्सपायर हो रहा है। टायर्स जो है इसके आपको चेंज कराने पड़ सकते हैं 8-10 हज़ार किलोमीटर के बाद में। एनओसी को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो सर मैं आपको एनओसी दे दूंगा, आप जिस स्टेट की बोलेंगे। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन कराना वो आपका प्रोसेस है, उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी है। फाइनेंस, हाँ दिल्ली नंबर है तो मैं दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स के लिए फाइनेंस जरूर करा सकता हूँ क्योंकि 2021 मॉडल है, लेकिन आउट ऑफ स्टेट कस्टमर्स के लिए फाइनेंस कराना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आपको मसाज चाहिए तो सीट्स पे आपको यहाँ पे मसाजर भी मिलेगा, आप आराम से मसाज करते हुए, मसाज के मजे लेते हुए आप जा सकते हैं। फिर यहाँ पे कूल और वेंटिलेटेड सीट्स है, आपकी हीट सीट्स जो है वो ऑन ऑफ हो जाएंगी और यहाँ से मतलब आप कूल और हीट भी कर सकते हैं, और मसाजर भी है जो कि प्रॉपरली फंक्शनल है, मुझे फील हो रहा है पीछे उससे। मसाज फीचर हमने चेक कर लिया, इसके अंदर कूलिंग हीटिंग का फीचर हमने चेक कर लिया। सामने स्मार्ट टीवी मिल रहा है हमें, वो ऑफ कोर्स वर्किंग कंडीशन में है, वो उसमें टीवी में कोई ज्यादा कुछ ऐसा कुछ चेक करने को है। तो यहाँ से आप देखोगे तो गाड़ी आपको बाहर से टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में कोई बाहर से मॉडिफिकेशंस नहीं की गई है, तो उसके चलते कोई आपके ऊपर चलांस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी पे मॉडिफिकेशंस कराना भी एक तरह के चलांस होते हैं, लेकिन आपने अंदर कराई है, बाहर से गाड़ी सेम है, इसकी चेसिस एक्सटेंड नहीं करी है, इसकी बॉडी लंबी नहीं करी गई है, तो किसी तरह के कोई चलांस होने नहीं चाहिए इसके ऊपर। फिर पीछे से हम देखेंगे, पीछे से गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इनोवा क्रिस्टा की पीछे बैजिंग मिल रही है, पीछे एलईडी लाइट्स मिल रही है, 2.4Z हमें यहाँ पे बैजिंग मिल रही है देखने के लिए। यहाँ क्रोम फिनिश मिल रही है, यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, बम्पर प्रोटेक्टर, ऊपर हमें डिफॉगर और यहाँ पे हमें वाइपर मिल रहा है, रियर वाइपर, ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। उसके बाद आप गाड़ी यहाँ से भी देखोगे तो गाड़ी यहाँ से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मुझे इसमें एक एक पीस बताने की जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि गाड़ी आपके सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गाड़ी ऑल ओरिजिनल है, किसी तरह के कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, अलॉयज जो है वो इसके नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। तो मैं आपको पीछे से गाड़ी अच्छे से दिखा चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वुडन पैनलिंग हो रखी है और यहाँ पे जो है ये तो OEM फिटेड है और ये आइवरी कलर का है, तो आई थिंक ये कस्टमर ने जो है कस्टमाइज कराया होगा। यहाँ पे आपको लेदर सीट्स मिल रही है जो कि इंटैक्ट है, ऑटोमेटिक 8-way सीट्स मिलेंगी आपको जो कि फंक्शनल कंडीशन में है, फ्रंट फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो मैंने आपको अंदर वायर उसका वो दिखाया था, फोन का कनेक्शन दिखाया था, वो यहाँ पे ड्राइवर अपना फोन रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से पूरी पूरी प्रिवेसी है, पीछे ड्राइवर नहीं देख सकते हैं। सामने हमें यहाँ पे मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है जिसके अंदर वुडी फिनिश करी हुई है कस्टमर ने। यहाँ पे हमें एक ग्लास होल्डर मिलता है जो कि कंपनी का OEM फिटेड है। यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह मिलेंगे। एक बार गाड़ी का आपको इंजन खोल के दिखा देता हूँ कि अंदर तो कुछ नहीं हुआ, और गाड़ी का एक सेल्फ मार के भी आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट है या नहीं। तो एक बार फ्रंट पार्ट पे देख लेते हैं, तो ये देखिए ये है 100% नॉन एक्सीडेंटल कार, कभी किसी तरीके के कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है। कस्टमर की गाड़ियों की वीडियो बनाने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुल के बता सकता हूँ जो चीज़ें हैं। 2021 अप्रैल मंथ की है तो बैटरी भी अभी इसकी नई पड़ी है, ठीक है। टोयोटा इनोवा है यार, मतलब टोयोटा इनोवा कुछ नहीं बिगड़ता, ऑनेस्टली कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार सेल्फ मार के देखते हैं कि गाड़ी की मैकेनिकल कंडीशन कैसी है। चलते हैं इनोवा मॉडिफाइड की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। हावेवर जो ये गाड़ी खरीदेंगे वो तो पीछे बैठना है उन्होंने, लेकिन गाड़ी के अंदर ना मुझे एक चीज चेक करनी है कि अंदर गाड़ी के अंदर कैबिन नॉइस तो नहीं है, कचर कचर आवाजें तो नहीं है किसी तरीके की, वो मुझे चेक करना है, इसलिए मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। बाकी टोयोटा इनोवा है 2021 मॉडल, 35,000 चली, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कुछ बिगड़ना तो है नहीं इसको किसी भी चीज को लेके। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग इतनी दूर से आएंगे गाड़ी देखने के लिए लेने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अनबाइस रिव्यूज दूं। तो यहाँ सस्पेंशन निकाले हैं, सस्पेंशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्टेयरिंग वेल बिहेव्ड है, ट्रांसमिशन वेल बिहेव्ड है जैसे होना चाहिए, और गाड़ी के अंदर कोई किसी तरह की आवाज़ें नहीं है, जो कचर 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 जो है मॉडिफाइड गाड़ियों में आवाज़ें कभी कभी आ जाती हैं वो चीज़ नहीं है, मतलब DC अच्छा काम करते हैं ऑफकोर्स। और ये गाड़ी अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा कैटलॉग प्लीज़ व्यू करें, क्योंकि मेरे कैटलॉग में अवेलेबल स्टॉक होता है, हो सकता है जब आप ये गाड़ी की वीडियो देख रहे हो तब तक ये बिक चुकी हो, तो प्लीज़ आपको रेफर करना ही अवेलेबल है या नहीं, तो इसलिए आप मेरा कैटलॉग रेफर करिए प्लीज़। और वसीम खान 1107 इंस्टा पे मेरा लिंक है जहाँ मैं शॉर्ट रील्स डालता हूँ, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाड़ी की अगर आप कोई गाड़ी अपने लिए सर्च कर रहे हैं, और डिटेल्ड अनवाइज वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी गाड़ी की सर टेस्ट ड्राइव लेके मैं कहीं ना कहीं कुछ भी गाड़ी के अंदर कमी नहीं निकाल सकता हूँ, सारी चीज़ें फंक्शनल है, पावर विंडोज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर हमें मिल रही है, टच स्क्रीन सिस्टम है यहाँ पे, और इसके अंदर हम एक बार ही देखते हैं हमें और क्या क्या मिल रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है हमें इसके अंदर, एप्पल और सारी एप्स मिल रही हैं, आप इसके अंदर एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्मार्ट डिवाइस लिंक्स मिल रहे हैं आपको इसके अंदर,
और इसके अंदर हमें नेविगेशन मिल रहा है, यानी एक बार देख लेते हैं, फोन मिल रहा है, ट्रैक यहाँ से हम देख सकते हैं, इन्फो मिलेगी हमें यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मेन्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फोन और एप्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सारी की सारी आप एप्स कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ होम पेज पे आके आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल रही है, यहाँ से रेडियो एफएम वगैरह मिल रहा है, और आपको रियर एसी और फ्रंट एसी आपको यहाँ से कंट्रोल्स मिल सकते हैं, और इसके अंदर हमें यहाँ पे एयरबैग्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, इको मोड में आप रन कर सकते हैं, पावर मोड में कार को रन कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जो कि प्रॉपरली फंक्शनल है। और गाड़ी की आई थिंक इतना टेस्ट ड्राइव लेना काफी है टोयोटा इनोवा की, इससे ज्यादा क्या टेस्ट ड्राइव लें, मतलब एक सक्सेसफुल अपने आप में मतलब बहुत अच्छी ब्रांड है टोयोटा, और इनोवा जो है उनकी मतलब एक लीगेसी है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इनोवा में जनरली। तो अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है 32 लाख रुपीज़ विच इज नॉन नेगोशिएबल, अगर आप 32 लाख रुपीज़ में गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप करें, और इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और डायरेक्ट कस्टमर कार्स लेकर आ सकूं आपके लिए, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।